হ্যাঁ গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগার। নমস্কার, কেমন আছো সবাই? সো আজ কা ভিডিও থোড়া সা লেট স্টার্ট হো রা হ্যায় क्योंकि सुबह से घर में भी बहुत काम था और मेरी तबीयत भी काफ़ी ढीली थी, तो इस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने दवाई वगैरह लिया है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा कि अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और अपडेट भी थोड़ा सा आ जाएगा। सो घर का तो सारा काम हो ही गया है, खाना वगैरह खा के और बर्तन वगैरह धो के, और बेटा मेरा ऑफिस चला गया है, हस्बैंड जी थोड़े से लेटे हैं, अभी टीवी देख रहे हैं। सो मेरी बेटी गई थी वृंदावन घूमने के लिए, तो आज उनकी रिटर्न ट्रेन थी, तो ट्रेन थी 10:30 बजे की, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मजे लिया बच्चों ने घूम के, क्योंकि वृंदावन में इस टाइम होली का माहौल चल रहा है बहुत ज़्यादा। जब होलियाँ होती है तो चारों तरफ होली खेली जाती है, और वहाँ का जो एक माहौल होता है वो बहुत ही खुशनुमा होता है। कान्हा जी और क्या कहते हैं हमारे राधा जी, गोपियाँ, चारों तरफ होली खेलते हैं। सो चलिए, मैं कुछ कपड़े धोई थी तो उनको भी उठा कर ले आती हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आंधी तूफान आ रही है। तो चलते हैं पहले, क्योंकि शाम हो चुकी है, और कपड़े भी उठा लाते हैं और हस्बैंड जी के लिए थोड़ी सी चाय भी बना लेते हैं। सो देखिए आज का मौसम कितना सुहाना हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में किसी ने वाइट रंग का कलर फेंक दिया हो। कपड़े वगैरह धोए थे तो उनको भी उठा लेते हैं, क्योंकि हवा से जो है आंधी तूफान से पूरा इधर से उधर हो गया है, और मौसम देखिए कितना ही सुहाना लग रहा है। और सामने खिले हैं पहाड़ में काले काले बादल, देखिए ऐसा लगता है जैसे कभी भी बारिश आ जाएगी। सो उत्तराखंड का दृश्य तो बहुत ही सुहाना लगता है, तो आप लोग भी उत्तराखंड का दृश्य देख सकते हैं। हमारे आम के पेड़ में देखिए मोजर लग गया है, और बहुत ही ज्यादा मोजर लगा है इस बार, पूरा खिला हुआ है आम का पेड़। काफ़ी देर हो गया पार्लर में काम करते करते, और अभी गए हैं कस्टमर। और जो ही मैं चाय बनाने गई थी तो हस्बैंड जी ने आज चाय बना लिया था, सो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने चाय पिया। चाय पीने के बाद मैं फिर पार्लर में ही आ गई थी, क्योंकि पार्लर में ही काम था, कस्टमर वगैरह आ गए थे। सो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड जी कुछ लेने गए क्योंकि आज हमारे नंदोई जी आ रहे हैं। चलती हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आंधी तूफान भी आने वाला है, तो इससे पहले कि आंधी तूफान आ जाए सो मैं जाके सब्जियां लेके आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ घर सब्जियां लेके, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि होली का टाइम आ रहा है, तो सभी लोग कचरी वगैरह लेने में लगे हुए, तो हर दुकान में थोड़ी थोड़ी भीड़ है ही। कॉल आ गया हमारी ननद का कि वो नहीं आ पाएंगे हमारे नंदोई जी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। हमारे नंदोई जी जो है उनकी ड्यूटी भी है 9 बजे की, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम छोड़े आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब नहीं आ रहे हैं वो तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, अब जो बनाना है वो सब देख लेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। कस्टमर बैठे हैं पार्लर में, वहीं से फ़ोन आ गया सब्जी लेते हुए कि भाभी जी कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट बैठो, तो थ्रेडिंग वगैरह है उनकी पहले बना देते हैं फटाफट, उसके बाद बाकी किचन का काम कर लेते। सो मैं खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते कस्टमर आ गए, तो बस उनका थ्रेडिंग वगैरह सब करके और थोड़ा बैग सब उनका कर दिया है। सो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। सो फाइनल खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, तो बस आज बन रहा है। हस्बैंड जी मछली लेके आए हैं, और मछली भी कुछ अलग ही तरीके से बनाना है। आज उन्होंने बोला कि भाप में पकाना है, आज तल के नहीं बनाना है। तो बस मैं मसाला वगैरह पीस रही थी, और बर्तन धोते धोते हाथ भी कट हो गया, उंगली इतनी सारी कट गई, तो अब सोच रही हूँ कि मिर्ची कैसे पीसूँ। सो मैंने मछली धो ली है, मसाला भी निकाल दिया, तो मसाले में देखिए लहसुन है, और आज हम बनाएंगे खसखस डाल के, खसखस और जीरा और हरी मिर्ची है, मिर्ची भी बहुत सारी है देखिए। और मैंने डाला है 1-2 सूखी मिर्ची जो थोड़ा सा कलर के लिए, और अदरक भी मैंने कद्दूकस कर लिया, लेकिन हम साथ में ही सब पीसेंगे। तो फटाफट हम सिलबट्टे में पीस लेते हैं, सिलबट्टा भी रेडी है मेरा। Thank you.
पक चुकी है और हस्बैंड जी को मैंने खाना दे दिया और बेटे ने भी खाना खा लिया, उसके लिए पराठे सेक दिए थे। तो मैंने हस्बैंड जी को खाना खिला दिया है और मैंने सारा काम कर लिया। उसके बाद मैं आई हूँ नीचे और नीचे अब खाना बना रही हूँ। खाना तो भाभी जी सब बना के गई है, बस मैं रोटी सेक रही हूँ। तो गाइस देखिए रात के 11 बज रहे हैं और कितनी तेज बारिश आ गई, एकदम इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है। और इससे पहले भी थोड़ी बारिश हो गई लेकिन ये वाली जो बूंदें हैं बहुत बड़ी बड़ी बूंदें आ रही है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं ये बोल बोल एलेक्सा को, वो नहीं समझ रही तेरी भाषा, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में बोल। प्ले ऑन स्पॉटिफाई। श्योर, हियर स्पॉटिफाई। ये देखा, इंग्लिश समझती हो, हिंदी समझती नहीं है। नहीं समझ लेती है, समझ लेती है। वो कहते हैं ना कि चार लोग क्या बोलेंगे, कर रही है। नहीं नहीं वो कहते हैं ना चार लोग क्या बोलेंगे, तो चार लोगों के सामने एक्टिंग कर रही है, है ना। तो आजकल की पीढ़ी को देखो, चार लोग बैठे हैं तो चारों लोग अपना अपना ही काम कर रहे हैं, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा। देखो ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम लायक हो तो करे ना बात कोई। यहाँ मेरे को और गुस्सा आया, तेरे साथ हूँ। नहीं यहाँ मेरे को और गुस्सा आया, जहाँ पे ऐसी बात हो अब मेरा सपोर्ट तेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी छोड़ो ना, वो भी बोल रहा है अब उसके चक्कर में मैंने शहर छोड़ दिया। कौन सी शहर छोड़ी हुई थी, कौन सी शहर छोड़ी है? ये तो हमें आज पता चला। देखो झूठ अत्यंत डिपेंड करता है बंदा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा इधर देख अमित, ये बातें तो मुझे आज पता चली हुई, तेरे कौन सी शहर छोड़ी है। तो अब फाइनल मैं फ्री हुई हूँ, सभी काम कर लिया है मैंने। और सो बारिश भी इतनी तेज आई थी तो अब रुक गई है बारिश। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे उत्तराखंड में बस एक दिन अगर गर्मी हो गई तो दूसरे दिन ही बारिश चालू हो जाती है, ऐसा ही होता है यहाँ पे ठंडा गर्म। और काम करते करते आज दो हादसे हो गए, एक उंगली कट गई थी सारी और एक हाथ जल गया मेरा बहुत सारा, पानी गिर गया गर्म। तो वैसे भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि सुबह थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि अपडेट आ जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बना लेते हैं, जो भी बन जाता है। मैंने कहा जितना भी बन जाता है उतना बना लेते हैं। तो वही है, जिस दिन आपका कोई चीज़ का मन नहीं करता तो आपके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो चलिए ज़्यादा नहीं हुआ, बस कम में टल गया है। और हस्बैंड जी टीवी देख रहे हैं, वेट कर रहे थे बच्चे का कि बच्ची आएगी तभी हम लोग सोएंगे, क्योंकि बच्चे बाहर है तो वैसे नींद नहीं आता। तो चलिए रात के बज गए हैं 12:30 और वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे का भी वेट करना है, फोन पान कर रहे हैं और वीडियो को भी एडिटिंग करना है क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में भी एक दो घंटा टाइम लग जाता है। तो जब तक हमारी एडिटिंग खत्म होगी तब तक हमारी बेटी घर आ जाएगी। सो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले नए वीडियो पर, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।